कार्य है। इसमें फर्स्ट है वो फूड द्वारा संवेगों को प्रकट करना। फूड द्वारा संवेगों को प्रकट किया जाता है, जैसे प्रसन्न मन से अगर भोजन किया जाए तो ज़्यादा खाया जाएगा, जबकि खिन्न अथवा दुखी मन से कम भोजन खाया जाता है। कुछ व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए अधिक भोजन का प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति बिल्कुल भी कम खाने लगते हैं। इससे उनके तनावों पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार कुछ समुदायों में कुछ खास भोज्य पदार्थों को दुख के क्षणों के से जोड़ लिया जाता है, जैसे ऊंची जाति के में फीमेल ब्राह्मण राजपूत बनिया कायस्थ आदि अगर विधवा हो जाती है तो वे मांस मछली अंडा व अन्य मांसाहार करना छोड़ देती है। सेकंड पॉइंट है सुरक्षा की भावना के रूप में। फूड सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर से बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जाना पहचाना भोजन मिलता है तो उससे सुरक्षा ही अनुभूति होती सुरक्षा की अनुभूति होती है। माँ द्वारा खिलाया गया भोजन बच्चे को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरे व्यक्ति खिलाते हैं तो उसे वे सुख नहीं प्राप्त होता, फलतः बच्चा ढंग से खाना नहीं खा पाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें भोजन का प्रयोग फोर्स के रूप में। इतिहास साक्षी है कि भोजन का प्रयोग बल के रूप में किया जाता है। दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने के दे होने देकर आसानी से लड़ाई जीती जाती है। व्यक्ति को संपन्न करवाने के लिए उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। उसी प्रकार किसी संस्था के विद्रोह को दर्शाने के लिए कर्मचारियों द्वारा हंगर स्ट्राइक की जाती है। परिवार में भी बच्चों को सजा अथवा इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के द्वारा अच्छा एवं प्रशंसनीय कार्य करने पर इनाम के तौर पर विशिष्ट व्यंजन तैयार किया जाता है, जबकि सजा देने के लिए उसे सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ आइसक्रीम आदि भोजन के रूप में नहीं दिए जाते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। फूड प्रोडक्ट्स का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट ए है बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, बी है बेस्ड ऑन फंक्शन, सी है बेस्ड ऑन पेरिहेबिलिटी और डी है बेस्ड ऑन ऑरिजिन तथा ई है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। नाउ मूविंग टूवर्ड फर्स्ट ए पेस्ट और न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स के आधार पर फूड का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार के लिए किया जाता है। इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन विटामिन एवं मिनरल्स बॉडी निर्माण का निर्माणात्मक फूड प्रोडक्ट्स है। ये फूड तत्व बॉडी की वृद्धि एवं विकास करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य बॉडी के तंतु ऊतकों एवं कोशों का निर्माण करना है। निरंतर कार्य करने से बॉडी की कोशिकाओं की टूट फूट होती है रहती है, जिसका पुनर्निर्माण व मरम्मत करना प्रोटीन का ही कार्य है। प्रोटीन मांसपेशियों, रक्त, बाल, नाखून आदि की वृद्धि के लिए सहायक है। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी यील्डिंग फूड्स। वे फूड प्रोडक्ट्स जो बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। उत्पादक एनर्जी यील्डिंग फूड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं फैट ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जिनसे बॉडी को ताकत, एनर्जी एवं उष्णता प्राप्त होती है। इस 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी तथा फैट 9.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करते हैं। बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने, हृदय को कार्य करने, मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण, उत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन आदि के लिए कार्बोहाइड्रेट एवं फैट आवश्यक है।
सभी प्रकार के अनाजों जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, रागी, जौ, मक्का आदि, शक्कर, गुड़, आलू, शकरकंदी व अन्य जड़ वाली सब्जियां इत्यादि कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है। तेल, घी, मक्खन, अंडा, तेल युक्त बीज, नारियल, मूंगफली आदि फैट के मुख्य स्रोत है। वसा एवं फैट एवं कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में प्रोटीन एनर्जी प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है, परंतु प्रोटीन द्वारा एनर्जी प्राप्त करना महंगा है। प्रोटीन का मुख्य कार्य बॉडी बिल्डिंग करना है और ऊर्जा प्रदान करना सहायक कार्य है। इस तालिका द्वारा फैट, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन द्वारा प्राप्त एनर्जी को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसमें एक तरफ इस टेबल को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तरफ क्वांटिटी दी हुई है, एक तरफ जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो बताया हुआ है। तो फैट जो 1 ग्राम होता है उसमें 9.1 किलो कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट जो 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरीज और प्रोटीन 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरीज मिलती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 1 ग्राम वसा से फैट से कार्बोहाइड्रेट की एवं प्रोटीन की अपेक्षा डबल ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः फैट एनर्जी का कंसंट्रेटेड सोर्स है। ना मूविंग टू अ थर्ड पॉइंट, बॉडी प्रोटेक्शन फूड्स। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो बॉडी की डिजीज से प्रोटेक्शन करते हैं, विभिन्न फिजियोलॉजिकल क्रिया फंक्शन का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन एवं मिनरल्स से युक्त डाइट बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बॉडी में इम्यूनिटी पावर को विकसित करने के लिए इनका पर्याप्त मात्रा में होना अति आवश्यक है। ग्रीन एवं येलो वेजिटेबल जैसे बथुआ, पालक, चलाई, मूली का रस, साग, चने का साग, सरसों का साग, सभी प्रकार के फल जैसे केला, संतरा, नींबू, पपीता, अमरूद, अंगूर, लीची, आम, सेब, नाशपाती आदि, मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट एग आदि विटामिन एवं मिनरल्स के मुख्य स्रोत है। ये फूड प्रोडक्ट्स बॉडी को डिजीज से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्थियों में दांतों के निर्माण के लिए खनिज लवण की आवश्यकता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पार्ट, बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के आधार पर भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित समूहों में किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के अंतर्गत सभी प्रकार के अनाज तथा चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी आदि आते हैं। जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, प्याज, शकरकंदी आदि से स्टार्च भरपूर मात्रा में पाई जाती है। ग्रीन वेजिटेबल, छिलकेदार दालें, छिलका सहित फल रफेज के मुख्य स्रोत है। रफेज कार्बोहाइड्रेट का ही एक जटिल रूप है जिसका पाचन नहीं होता है, परंतु ये पाचन क्रिया में सहयोग देता है। आमाशय में उपस्थित फूड को ये इंटेस्टाइन की ओर सरकाने का कार्य करता है, जिससे फूड का पाचन सरलता से हो जाता है। इतना ही नहीं, रफेज कॉन्स्टिपेशन डिजीज होने से भी बचाता है और स्टूल निष्कासन में मदद करता है। भूसी, चोकर सहित आटा आदि से रफेज पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है, अतः आटे को छान कर नहीं खाना चाहिए। रफेज के प्रयोग से पेट तो भर जाता है जिससे भूख शांत हो जाती है, परंतु कैलोरी मूल्य नहीं होता है, जिससे ओबेसिटी नहीं होता है। इसके साथ ही ये रक्त में कैलेस्ट्रोल स्तर को कम करता है और शारीरिक वेट को कम करने में सहायक देता है होता है।
बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी से वेट कम हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड सेकेंड पॉइंट, फैट ग्रुप्स। फैट का मुख्य स्रोत तेल युक्त बीज, मक्खन, एग, नारियल, मूंगफली आदि है। इसका मुख्य कार्य बॉडी को एनर्जी प्रदान करना है। जो फूड में इसके अत्यधिक उपयोग से वजन बढ़ता है, वजन में कमी तथा शारीरिक वृद्धि रुक जाती है।